Hey guys, welcome back to my channel. So finally, Hack Within Fee का result आ चुका है. अगर आपको नहीं पता what is Hack Within Fee, Infosys का coding competition है. So guys, इसके बारे में आपको video की link description में मिल जाएगी. तो आप check कर सकते हो. हर साल coding competition Infosys conduct कराता है. तो आज का टॉपिक है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है इंफोसिस के हैक विद इन फी इंटरव्यू राउंड के लिए. ठीक है, रिजल्ट आ गया है तो लगभग आपका हो सकता है कि 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, या फिर हो सकता है कि लेट भी हो जाए इंटरव्यूज बारी. क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है तो यार आपके मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होने के चांसेस हैं. ठीक है, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है तो ऑनलाइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो ऑनलाइन ही आप सोच के चलिए कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ही होना है. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. राइट, तो सबसे पहली बात आती है कि इंफोसिस हैक विद इन फी इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है. राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ कुछ बच्चों से पूछा गया है. अगर 10 इंटरव्यू ले रहे हैं, 10 इंटरव्यू हो रहे हैं, तो 2 से 3 बच्चों से पूछा गया था कि बेटा हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व. ठीक है, वो आपको मतलब जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सेकंड राउंड में या जो भी, उनके पास लिस्ट वगैरह होती है. झूठे आपको नहीं बोलना है, जितना आपने करा उतना बताना है. प्लस जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ना, आपको पता होना चाहिए. तो वो लोग पूछते हैं कि बेटा तूने, अगर चल ठीक है तूने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आपने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, तो आपको आपने क्या अप्रोच लगाई थी इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो आप बताओगे कि सर मैंने ऐसे ऐसे अप्रोच लगाई थी क्वेश्चंस में. प्लस आप फिर वो पूछ सकते हैं कि इज देयर एनी बेटर वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो आपने जो भी क्वेश्चन करे हैं आप उनको एक बार मतलब खुद से रिमाइंड कर ले जाने से पहले इंटरव्यू में, उसका रिवीजन टाइप का कर ले कि हाँ मैंने ऐसे करके कोड किया था. एंड प्लस उसकी बेटर टेक्निक्स भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसा था तो मैं इसको और बेटर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूं. तो ये चीज आप पूछ सकते हैं. तो 10 में से 2 या 3 बच्चों से पूछा गया था कि बेटा आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे और आपने उसकी अप्रोच कैसे करी थी. तो आपको वो चीज पढ़ के जानी है, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहली बात. ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट टिप ये हुई. प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है, अब जैसे इंफोसिस हैक विद इन फी इंटरव्यू है, कुछ बच्चों का क्या हुआ होगा यार, SES के रोल के लिए आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा. प्लस कुछ बच्चों को पावर प्रोग्रामर के रोल के लिए मौका मिलता है. राइट, SES आपका 5 लाख वाला जॉब हो गया, पावर प्रोग्रामर 8 लाख वाला जॉब हो चुका है. नाउ करना क्या है यार आपको, बेसिकली आपको थोड़ी सी मतलब गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट पे जाना है. ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स पे जाना है, उसमें आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके एक टॉपिक मिलेगा. गीक्स वेबसाइट पे जाना है, वहां पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके एक सेक्शन होता है. राइट, मैंने अभी अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, बट हो सकता है मैं ये वाली वीडियो पहले डालने वाला हूँ, तो इसके बाद तुरंत वो वीडियो आ जाएगी. उसमें मैंने आपको बताया हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज. मैंने आपको उसमें लैपटॉप पे भी दिखाया कि यार आपको गीक्स फॉर गीक्स पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके आपका सेक्शन कहाँ आता है. उसमें कंपनी वाइज आपको गिवन होता है गाइस कि इंफोसिस में अगर आप दे रहे हो इंटरव्यू, तो आप इंफोसिस में जाकर के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को पढ़ो. लोग अपने वहां पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डिटेल में लिखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा मेरा राउंड हुआ था, इतने टेक्निकल राउंड हुए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे. तो हर चीज डिटेल में आपको मिल जाएगी. सिनेरियो क्या है, सिनेरियो इतना सा है कि यार वहां पे अगर आपने इंफोसिस के लिए सपोज आपका हैक विद इन फी के थ्रू हुआ है, आप SES या पावर प्रोग्रामर के रोल के लिए हो, तो आप वहां पे जाओगे इंफोसिस में, बाकी आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में सर्च कीजिएगा तो आपको वहां मिलेगा कि हाँ ये पावर प्रोग्रामर के रोल के लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ये SES वालों के लिए. तो जो भी आपकी पोस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग वहां पे एक्सपीरियंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस खोलो. अगर वहां पे 50-60 दे रखे हैं तो एटलीस्ट 20 से 25 पढ़ो, पूरा डिटेल में अच्छे से एनालिसिस करो एंड देखो कि यार क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रहे हैं. तो आप अगर 20-25 लोगों का पढ़ते हो या 15-20 जितने आप पढ़ना चाहो, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको एनालिसिस कर पाओगे. ठीक है, उनको पढ़ो, एनालाइज करो कि क्वेश्चन क्या पूछे गए. ठीक है, बाइनरी सर्च से क्वेश्चन आया, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार रिपीट हो रहा है. मैंने सपोज एग्जांपल 15 महीने पढ़ लिया, 10 महीने पढ़ लिया. ठीक है, 10 इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ लिए. ठीक है यार, 5-6 में तो मेरे को बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आया कि इसकी लेंथ क्या होगी, प्रोग्राम लिख के दिखाओ. ऐसी ऐसी चीजें आपको पूरी एनालाइज करनी है. राइट, तो खुद से जाना पड़ेगा, एनालिसिस करनी है उनको देखने के बाद कि हाँ यार मेरे को यहाँ पे इंटरव्यू देखना है, इसने मैंने 7-8 बंदों के पढ़ लिए, मोस्ट कॉमनली आज क्या है मेरे को स्टैक के क्वेश्चंस मिल रहे हैं. ठीक है, स्टैक्स बहुत ज्यादा पूछ जा रहा है. फिर बाइनरी सर्च पे क्वेश्चनिंग हो रही है, ग्राफ पे क्वेश्चनिंग हो रही है, किस एल्गोरिथम को स्पेसिफिकली वो लोग बहुत पूछ रहे हैं. अच्छा, मैक्सिमम ही तो मेरे को 7-8 में मिल गया, 10 में से 8 में तो मैक्सिमम ही पूछ गया, तो मैक्सिमम ही भी इंपॉर्टेंट हो गया. तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है. सो गाइस, इस वीडियो के डलने के बाद मे बी 1 दिन बाद या फिर विद इन फ्यू आवर्स 10-12 घंटे बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ टेक्निकल इंटरव्यू. ठीक है, हर चीज मैंने बताई आपको, क्या क्या वेबसाइट्स रेफर करनी है, कौन सा कंटेंट कहां से रेफर करना है. प्लस मैंने आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे भी डिटेल में बताया कि आपको गीक्स फॉर गीक्स में इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कैसे आपको कंपनीज लिस्ट वगैरह देखनी है एंड सो ऑन, और भी चीजें बताई है. तो आप देख लेना उस चीज को भी, उसमें भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. जिनको मौका मिला है पीपी के लिए, आइदर SES और पीपी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन. देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपको SES के लिए आया तो आपको SES का ही मौका मिलेगा. 95% चांस है SES के लिए तो आपको जॉब मिल जाएगी SES की ही, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है. बट इट ऑल्सो हैपन्स कि यार अगर आपने इंटरव्यू दिया है, आप वहां पे इंटरव्यू दे रहे हो, अगर उनको लगता है कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, इट माइट हैपन कि आपको 3.6 की भी प्रोफाइल दे दें, दैट इज सिस्टम इंजीनियर का रोल भी मिल सकता है. प्रोबेबिलिटी है, 5 बहुत कम है, 5-6% प्रोबेबिलिटी है 100 में से. 95% आपको जो भी आपको रोल मिला है, अगर आप SES के लिए आपको इंटरव्यू मिला है, अगर आप इंटरव्यू सही देते हो, उन्हें लगता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से परफॉर्म किया है, SES की प्रोफाइल मिल जाएगी. अगर आप पावर प्रोग्रामर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 8 लाख का ही जॉब मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं.
अगर आपने पावर प्रोग्रामर के रोल के लिए दिया, अगर उनको लगता है कि बच्चा अभी उतने लेवल पर नहीं है तो आपको वो SES की प्रोफाइल के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये आपका सिनारियो होता है। बाकी गाइज अगर आपको डाउट है कि यार क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर वो कितनी लैंग्वेज आनी चाहिए, इसका सेपरेट वीडियो में डाल चुका हूँ कि व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है गाइज आपको क्या आना चाहिए। एंड गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस हैक विद इनफी इंटरव्यू के लिए ही, आपके प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने कॉलेज में करे हैं, आइदर आपने टीम में करो या इंडिविजुअल करे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक प्रोजेक्ट किया हो या दो प्रोजेक्ट किया हो, रिज्यूमे में मेंशन वही करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर उनको लगा कि ये बच्चा मतलब बता नहीं पा रहा है और ऐसे ही कहीं से भी उठ के जनरली पढ़ के आ गया और बता रहा है, उन्हें अगर लगा तो वो हायर भी नहीं करेंगे, इट माइट ऑल्सो हैपन। ठीक है, हमारे कॉलेज में दो बच्चों को SES वालों को SC में भी सिलेक्ट किया गया था, सो इट हैपन्स, राइट। 5 लाख वाली प्रोफाइल को 13 वाली भी मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी कम है। आपकी इंटरव्यू आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यार प्रोजेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप करिए तो वहां पे भी आपने क्या प्रोजेक्ट में सीखा या क्या बनाया वो चीज आपको आनी चाहिए। बाकी रेज्यूमे में वही चीज डालो जो अच्छे से आती है, ये मैं अपने 5-6 वीडियोस में बोल चुका हूँ। प्लेसमेंट सीरीज अगर आपको डिटेल में पढ़नी है कि कैसे क्या करना चाहिए, यार मैंने सब कुछ बताया, ठीक है। एंड गाइज एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको यूज लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा सिखा रहा है, ठीक है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यार जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर बच्चे बच्चे हैं, सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, उनको गाइडेंस देने वाला प्रॉपर कोई मिलता नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे निकल गया, थर्ड ईयर में आए अचानक से प्लेसमेंट आ गई, बच्चे टेंशन में, पूरा दिमाग खराब, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है, बस इतना सा मेरा कहने का मकसद है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले को अगर पता चल गया कि अच्छा ये भी चीजें होती है, हैक विद इन से भी कुछ होता है, कोडविटा भी कुछ होता है, तो वो स्टार्टिंग से प्रिपेयर अगर करेगा तो यार सोचो हम अपने कॉलेज से, आपका जो भी कॉलेज है या फिर मतलब जो भी है वो बच्चा, वो कितना अच्छा कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से पता चल रहा है कि अच्छा कोडविटा भी कुछ होता है, यहां से मैं अपना मतलब TCS में जॉब ले सकता हूँ 7-8 लाख रुपए की सीधा डायरेक्टली, दैट्स वेरी गुड। इससे आप बच्चे क्या करेंगे, कोडिंग पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह आप करते हो तो भी रिज्यूमे मेंशन कर सकते हो, बट आपको वो चीजें आनी चाहिए। तो यार फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बच्चों को जरूर शेयर करना अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी अच्छी जॉब लगे सबका, जिनका जिनको भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया है सबका जॉब लग जाए। एंड या थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।